2024 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसी कड़ी में बड़कागांव से विधायक प्रतिनिधि समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आजसू पार्टी का दामन थामा है। इसका जायजा लिया है रफ्तार मीडिया के संवाददाता शंकर ठाकुर ने। 2024 में होने वाले लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को देखते हुए झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। मौजूदा गठबंधन में सरकार चला रहे हैं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता आज आंसू कार्यालय में उनके आंसू के दामन थामने को यहां पे उपस्थित हुए। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में गठबंधन में सरकार चल रही है मौजूदा और आप आंसू पार्टी के दामन थामने का आ रहे, क्या कुछ वजह रहा कि आज आंसू को दामन थामने में मजबूर हो गए आप लोग? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो विधायिका बनी है अंबा प्रसाद जी, उनका जो कार्यकाल अभी तक का रहा है विकास के नाम पर कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ जो अभी कोल ब्लॉक्स आई हुई हैं, अभी जो काम चल रही है उसमें हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं उनको किसी तरह से कोई रोज़गार मुहैया नहीं हो पा रहा है। अब कंपनी से क्या लेती हैं क्या देती हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, तो जांच का विषय रहेगा आने वाला समय में। लेकिन अभी आप लोग देखे होंगे कि ज़मीन जो हथियाने का काम की है, चाहे हजारीबाग हो चाहे पतरातू हो, सिर्फ ये अपना सिर्फ पैसा बना रही हैं, अपना जायदाद बना रही है, बाकी कुछ नहीं है। विकास के नाम पर बड़का विधानसभा में सिर्फ लॉलीपॉप है और सिर्फ अपना जेब भरना है। एक क्वेश्चन ये है कि चूंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और मौजूदा गठबंधन में सरकार है, अंबा प्रसाद भी गली गली जा रहे हैं लोगों से बात कर, क्या नाराजगी हुई कि आप लोग एक साथ यहाँ उनको छोड़ के आए हैं? पुराने कार्यकर्ता को तरजीह नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ है कि बड़कागांव में बाहरी लोग का जमवाड़ा हो गया है और लोकल लोग को कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा है। क्या लग रहा है कि चुनाव जैसे जैसे आता है, जैसे नज़दीक आ रही है, तो क्या छोड़ क्या पा रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है कि कहीं आंसू को जिताना है कि कांग्रेस को कैसे क्या करना है? हमारे बड़कागांव विधानसभा में विकास नाम का चीज़ अभी कांग्रेस ने कुछ किया भी नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि रोशनलाल चौधरी को इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से जिताए, ये हम लोग का मकसद है। एक अहम है चूँकि विकास की अगर बात कर रहे हैं, बड़कागांव में विकास नहीं हो रहा है आपका कहना है या बाहरी लोगों का जमावड़ा हो रहा है, आखिर में लोकल को आखिर में तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे वो? नहीं, लोकल लोग को इसलिए तवज्जो नहीं मिल पा रहा है कि अगर लोकल लोग के पास पैसा रहे, अगर कोई 1.5 लाख डोनेट कर दिया उसको तुरंत नौकरी मिलेगा, तो लोकल लोग के पास तो पैसा है नहीं, तो जो बाहरी लोग आते हैं किन्हीं को देते हैं पैसा, उनका काम होता है, उनको नौकरी लगता है। अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले हुआ कि 300 लोग को लोकल लोग को नौकरी देना है, अंबाजी घोषणा की कि 300 लोग को देंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सिर्फ लिस्ट बना दीजिएगा आप 300 लोगों का, 300 लोगों को तो रोज़गार मिलना चाहिए ना, आप विधायक जी से पूछ लीजिएगा कि कितने लोगों को रोज़गार मिला अभी 300 लोगों का, जो वहाँ पर विस्थापित है वो भी उनसे दुखी हैं। विधायक जी सिर्फ और सिर्फ अपना झोली भरने का काम कर रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि विधायक जी सिर्फ अपनी झोली। एक क्वेश्चन है, चूँकि आप लोकल हैं, क्या बात रहा क्योंकि काफ़ी लंबी राजनीतिक रहा है, विधायक वहाँ पर रहे हैं और आंसू का आज दामन थाम रहे हैं, क्या लग रहा है कि आंसू के कार्यकर्ता को आप कैसे सपोर्ट करेंगे? देखिए ऐसा है कि हम लोग 2015 में आंदोलन शुरू किए थे एनटीपीसी के खिलाफ, उसमें मैं भी जेल गया, पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब भी जेल गए, वर्तमान विधायक उस समय निर्मला देवी जी थी वो भी जेल गई। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से लोगों का जमीन बचाने का काम किया, लेकिन जब वर्तमान विधायक अंबा प्रसाद आई तो ऐसा नहीं हुआ, वो सब आंदोलन को लात मार दी और सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए कंपनी साथ साठगांठ कर ली, कंपनी साथ साठगांठ कर ली और पैसा बनाई भी। अभी देखिए बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी फ्लैटें बन रही है, जमीन हड़पना इन लोगों की नित आदत है। पतरातू में देखें वो चर्चित, उसके बाद हजारीबाग में 50 डिसमिल 23 नवंबर को देखे होंगे, उसके बाद अपने लोग को डराना, गुंडागर्दी दिखाना, मुझे भी फर्जी मुकदमा फंसाया गया। एक है पचड़ा के मुखिया हैं महेश साहब, उनको भी फंसाई। तो कहने का मतलब ये कहाँ का राजनीति है, राजनीति थोड़ी ना करती है सिर्फ गुंडागर्दी। अगर आप बोलिएगा तो कल आपको भी सुपारी दिया जाएगा, मेरे ऊपर भी सुपारी योगेंद्र साहु जी के द्वारा दिया गया है। पता नहीं मैं कब उठ जाऊं, मुझे पता नहीं है, पर कोई बात नहीं, मरना तो सबों को है, लेकिन मरे तो सच्चाई तो सबको बता के जाएं।
तो ये उन लोगों को आदत बन गया है, सबको कॉल करना, डराना, झूठा आश्वासन देना, यही काम वहाँ चल रहा है बड़का गांव, बाद बाकी कुछ भी नहीं है। साफ तौर से बड़का कारखाना से सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और नाराजगी साफ दिख रही है, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी है ये जो चीज़ है इसको लेके यहाँ के वहाँ के लोग काफ़ी नाराज हैं। और आज आंसू कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में आंसू का दामन थामने के लिए आए अपने सहयोगी दीपक के साथ, शंकर ठाकुर।